तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने काफी महत्वपूर्ण, बीजेपी ने बड़ी घोषणा की है। इस वक्त नए मंत्रिमंडल विभागों के बंटवारे के बाद 10 दिनों में जो है किसानों का कर्जा माफ होगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, इस वक्त की आप लोगों के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रहे हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के हर एक किसान जो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं कि हमारा बैंक में बहुत ज्यादा कर्जा है, हमारा बैंक में बहुत ज्यादा लोन है, तो किस तरह से हम अपना बैंक का कर्जा छूट पाएंगे, किस तरह से हमारा बैंक का लोन जो है माफ हो पाएगा, किस तरह से हम सभी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। हमारी आर्थिक की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, हमारी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है जिससे कि हम जो है बैंकों का कर्जा जो है छूट पाएंगे, बैंकों का कर्जा माफ कर पाएंगे, बैंकों का लोन माफ कर पाएंगे। इन सभी चीजों को लेकर छत्तीसगढ़ के हर एक किसान सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी फेस करते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह से फेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और आप सभी के लिए एक के बाद एक जो है काफी महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी घोषणा पत्र, एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी वादे, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी दावे, जितने भी मैनिफेस्टो, जितने भी अपडेट आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो सभी घोषणा पत्र, वो सभी चीजें आप सभी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वो सभी चीजें आप में से हर एक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आपको अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना है, जितना ज्यादा हो सके प्रिपरेशन करना है, जितना ज्यादा हो सके स्टडी करना है। ये चीजें बिल्कुल भी मत सोचना कि ये चीजें हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, हम आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे सपने पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं पूरे हो पाएंगे, हमारे ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं पूरे हो पाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। आपके जरूर हर एक ख्वाब, सभी ड्रीम्स पूरे होंगे और छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप ऐसे हर एक किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। एक के बाद एक आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण मैनिफेस्टो, एक के बाद एक आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे फायदा मिल सके, आप सभी को पूरे के पूरे जो है लाभ मिल सके, आपके सभी सपने पूरे हो पाए और छत्तीसगढ़ के किसानों का 10 दिनों में जो है बैंकों का कर्जा माफ होने वाला है, जो कि आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। आप ऐसे हर एक के लिए, हर एक किसान के लिए सबसे बड़ी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हर एक किसान यही चाहता है कि उनका बैंक का कर्जा माफ हो पाए, क्योंकि बैंक के कर्जे की वजह से छत्तीसगढ़ के हर एक किसान काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा परेशानी फेस करते हैं कि आखिरकार हमारा बैंक का कर्जा माफ हो पाएगा या फिर नहीं माफ हो पाएगा, किस तरह से हम जो है सभी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, किस तरह से हमारे बैंक का कर्जा जो है छूट हो पाएगा, किस तरह से हम सभी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। इन सभी चीजों के बारे में सोच सोच कर छत्तीसगढ़ के हर एक किसान सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी जो है फेस करते हैं। तो ऐसे में आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, ऐसे में आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो हैं, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी अपडेट निकाले जाते हैं, वो सभी अपडेट, वो सभी मैनिफेस्टो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सभी मैनिफेस्टो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं। जी हाँ, तो मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि 10 दिनों में किसानों का जो है बैंकों का कर्जा माफ होने वाला है और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपको जो है धान का समर्थन मूल्य का पैसा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपको एक मुश्त आपके बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे पैसे, आपके बैंक अकाउंट में एक ही बार में पूरे के पूरे पैसे एक मुश्त आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं। जी हाँ, तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी अपडेट हैं, जितने भी मैनिफेस्टो हैं, जितने भी अपडेट आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो सभी अपडेट, वो सभी मैनिफेस्टो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सभी चीजें आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अब आप लोगों की गवर्नमेंट आ चुकी है, छत्तीसगढ़ में अब आप लोगों की सरकार आ चुकी है, आप ऐसे हर एक किसानों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आप लोगों के लिए अपडेट निकाले जा रहे हैं, जिससे कि पूरे के पूरे फायदा, जिससे कि पूरे के पूरे अपॉर्चुनिटीज, जिससे कि पूरे के पूरे लाभ जो है आप सभी को मिल पाए और आपके सभी सपने पूरे हो पाए। और एक भी चीज बताना चाहता हूँ कि
छत्तीसगढ़ में मातृ वंदना योजना, जी हाँ, जिससे कि छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये प्रति माह की दर से आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर किए जाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है मातृ वंदना योजना में। जी हाँ, 1 महीने में 1,000 रुपये और 12 महीने में कुल टोटल जो है 12,000 रुपये की राशि छत्तीसगढ़ में मातृ वंदना योजना की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी अपडेट है, जितने भी मैनिफेस्टो हैं, वो उन सभी मैनिफेस्टो उन सभी अपडेट्स पर जो है काम किया जाता है। जी हाँ, तो आने वाला जो टाइम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और जितने भी अपडेट है, जितने भी मैनिफेस्टो हैं, जितने भी घोषणा पत्र हैं, उन सभी पर काम किए जाते हैं, और आप सभी के लिए हर एक अपडेट जो है, आप सभी के लिए जितने भी अपडेट हैं उन सभी अपडेट्स पर उन सभी चीज़ों पर काम किए जाते हैं। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। जितने भी मैनिफेस्टो हैं, जितने भी अपडेट है, जितने भी घोषणा पत्र हैं, उन सभी पर जो है काम किए जाते हैं। जी हाँ, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए भूमिहीन कृषकों को, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है भूमिहीन कृषकों को जो है 10,000 रुपये की राशि जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि जिसके पास किसी भी प्रकार का एक भी डिसमिल जमीन नहीं है, किसी भी प्रकार का एक भी डिसमिल का खेत नहीं है, उन्हें जो है छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषकों को 1,000 10,000 रुपये की राशि सालाना मिलने वाला है, यानी कि 2,500 रुपये जो है प्रत्येक 3 महीने में उनको मिलने वाला है। 2,500 2,500 करके 4 किस्तों में पैसों की राशि जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी मैनिफेस्टो हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जितने भी अपडेट निकाले जाते हैं, उन सभी मैनिफेस्टो पर उन सभी अपडेट पर जो है काम किए जाते हैं। जी हाँ, और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, हर एक वर्ग की सरकार है, सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार दिया जाता है, सभी वर्गों के लिए जो है काम किए जाते हैं, जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे जो है लाभ मिल सके, आप सभी को पूरे के पूरे जो है फायदा मिल सके, और आपके सभी सपने पूरे हो पाए। आपके सभी सपनों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए काम किए जाने हैं, जिससे कि आपके सभी सपने पूरे हो पाए। जी हाँ, आई होप जितनी भी जानकारी, जितनी भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी, सभी अपडेट आप सभी को पसंद आए हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी, सभी अपडेट अगर आप सभी को पसंद आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियोज़ को शेयर करना। जी हाँ, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह से नए नए अपडेट, नए नए जानकारी, नए नए वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आपको अवश्य रूप से बताना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।